कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे लोहा बाजार की जानकारी, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट एशिया की लार्जेस्ट लोहे की मंडी है, वहां की जानकारी देंगे। साथ ही एमएस स्क्रैप पुराने लोहे के बारे में बताएंगे और सरिया के भाव में भी आपको जानकारी देंगे। सरिया के भाव में किस तरीके से आप खरीदारी कर सकते हैं, किस तरीके से बिकवाली, और रोजाना के तरीके कास्ट आयरन एचआरसी सीआरसी पाइप के भाव की भी जानकारी देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताएंगे। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। अगर बाजार खुलने से पहले मार्केट की जानकारी, आप लोग कहां बल्क में खरीदारी करनी, किस तरीके से बाजारों में आगे वर्किंग करके आप लोग चल सकते हैं, अगर ये जानकारी जानना चाहते हैं तो सोमवार शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सार्प आप हमारे साथ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बात करेंगे एमएस सिंगट की। एमएस सिंगट का कल अगर बात करी जाए, एमएस सिंगट में बाजार में पूरे दिन बाजारों में सुस्त कारोबार रहा, बाजारों में कोई बहुत ज़्यादा सोमवार के दिन बाजारों में हलचल नहीं देखी गई। एमएस सिंगट का भाव 50,100 रुपये पर, इसमें 100 रुपये की बढ़त के साथ, हल्की सी मामूली बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। अगर बात करेंगे ओल्ड स्क्रैप की, ओल्ड स्क्रैप का भाव 39,500 रुपये हो गया। एमएस सिंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,600 रुपये देखा गया। कास्ट आयरन की बात कर लेते हैं, कास्ट आयरन के भाव में ऊपरी स्तर से 400 रुपये प्रति टन की गिरावट दर्ज करी गई। मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 43,900 रुपये हो गया, इंपोर्टेड का भाव 44,900 रुपये। इसी तरीके एचआरसी और सीआरसी कॉइल के भाव जान लेते हैं। लुधियाना एचआरसी कॉइल का भाव 54,100 रुपये, सीआरसी कॉइल का भाव 63,800 रुपये, गाजियाबाद एचआरसी कॉइल का भाव 54,100 रुपये, सीआरसी कॉइल का भाव 63,000 रुपये, कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 52,400 रुपये, सीआरसी सीट का भाव। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। 62,600 रुपए रहा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अगर इसी तरीके का एक्सक्लूसिव कंटेंट आप रोजाना चाहते हैं कि इसी तरीके का एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलता रहे, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग लाइक करेंगे तो इसी तरीके का कंटेंट आप लोगों को रेगुलर इसी तरीके से आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए बात करेंगे, जैसे कि आपको गाजियाबाद में बताया, गाजियाबाद में एचआरसी सीआरसी कॉइल के भाव में ऊपरी स्तर से 1900 रुपये प्रति टन की एक बड़ी गिरावट दर्ज करी गई। सीआरसी में भी 2000 रुपये प्रति टन की गिरावट आई। रायपुर एचबी वायर की स्थिति जान लेते हैं। रायपुर एचबी वायर का भाव 53,700 रुपये हो गया। जीआई वायर का भाव 58,200 रुपये। इसी तरीके एमएस पाइप का भाव 53,000 रुपये, रायपुर पाइप का भाव 51,500 रुपये रहा। आप सभी मार्केट में, मार्केट का आउटलुक है, बाजारों में बहुत ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है, बाजारों में आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए जानेंगे कुछ मंडियों के टीएमटी के भाव क्या रहे। सभी मंडियों के टीएमटी के भाव में 200-300 रुपये प्रति टन की गिरावट दर्ज करी गई। मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी का भाव 55,100 रुपये हो गया। दुर्गापुर का भाव 50,500 रुपये, इंदौर का भाव 54,300 रुपये, रायपुर का भाव 51,400 रुपये, जियापुर का भाव 53,800 रुपये रहा, मुजफ्फरनगर का भाव 52,800 रुपये, भावनगर का भाव 54,100 रुपये, गाजियाबाद का भाव 54,700 रुपये, झलना का भाव 54,300 रुपये रहा। यह जो भी रेट दिए जा रहे हैं बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से दे होगा। मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी में जैसे कि आपको बताया था 54,500 के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसी तरीके रायपुर टीएमटी में भी खरीदारी करनी है तो 51,000 रुपये के आसपास करें। दुर्गापुर में खरीदारी 50,000 रुपये के आसपास आप लोग करके चल सकते हैं। चलिए जानेंगे मंडी गोविंदगढ़ में एमएस सिंगट का एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। मंडी गोविंदगढ़ में सपोर्ट का लेवल अगर बात करें तो 49,300 रुपये है। रेजिस्टेंस का लेवल 51,000 रुपये का देखा जा रहा है। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार 49,500 का ही आप बेसिक अच्छा सपोर्ट समझ के बाजारों में आप कामकाज करके चल सकते हैं। इसी तरीके आप जानेंगे पुराने लोहे का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 38,600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 40,500 रुपये का है। तो बाजारों में आप ओवरऑल आउटलुक है, बाजारों में बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बाजारों में जरूरत के हिसाब से आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।